Enemies ahead! स्वागत है उस वीक का एक और वीडियो में। अब देखो मेन गेम प्ले शुरू होने से पहले मैं आपको कुछ हाइलाइट्स दिखा देता हूँ। अब देखो मैं सिंह डेल्टा उतरा था और ये बंदा बग्गी लेके फुर हो लेता है, ऐसे हो गया फुर। और मैं सोच रहा था इस बार एसके चैलेंज करने की, यार कल कुछ दिन पहले का गेम प्ले है, मतलब कल फिर परसों का गेम प्ले है, तो मैंने एसकेस तो मिल गई मेरे को डबल एसकेस। और फिर मैं यहाँ से निकल लेता हूँ, बंदे मेरे को नहीं मिले थे, कुछ बॉट मिले थे, तभी देखना मैं यहाँ पे आ जाता हूँ सेंट्रल रोड वाले ब्रिज के पास। और सामने से स्कायरल चल रही थी, आपको आवाज़ आ गई होगी, तो मैं स्कोप एंड स्कोप आउट कर रहा था कि बंदा दिख जाए, वो बंदा थोड़ा फ्लैंक मार जाता उस तरफ, मतलब बिल्कुल ब्रिज के सामने। अब देखना मेरे को उसका सर दिखता है और एक शॉट नहीं लगा, दूसरा भी नहीं लगा, लेकिन इस बार बंदा ऐसे इसको हल्के में ले गया और तीन हेडशॉट में ख़त्म। अब देखो बंदे को मारा है, थोड़ी मतलब मेहनत लगी है उंगलियाँ उंगलियाँ स्वाइप करने में, शूट के बटन पे दबाने में, मतलब कुछ तो यार देखो एफर्ट्स लगे हैं, तो उसका क्रेडिट तो ऑब्वियसली भाई लूटना पड़ेगा। तो मैं भाग रहा होता सीधा ब्रिज पर, और जैसे बिल्कुल ब्रिज के इस एंड तक पहुंचता हूँ तभी पीछे से एक गाड़ी आती है, और देखना सस्ता ब्रिज कैंप। ये बंदा ना ऑलरेडी कहीं ना कहीं से घायल होकर आया था, वरना दो एस कैसे में भाई कोई नहीं मरता पबजी मोबाइल लाइट में, बढ़िया मर गया, वरना मेरी यहाँ पे क्रेट बना जाता। अब देखो मैं यहाँ पे स्मोक कर लेता हूँ क्योंकि मेरे कहीं से पड़ी, और मैं अब उसी बंदे को ढूंढ रहा था, और ये रहा भाई वो बंदा। और मैं चाहता तो यहाँ पे भी क्रेट लूट सकता था, पर देखो यहाँ पे मेरी हेल्थ काफ़ी कम थी, अगर मेरी हेल्थ थोड़ी ज़्यादा होती तो शायद मैं लूट लेता, मतलब थोड़ा डैमेज पड़ के मैं निकल लेता, लेकिन अभी हेल्थ कम है, किसी ने स्प्रे मारा ना हल्का सा भी तो भाई काफ़ी जल्दी मैं मर सकता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्रेट नहीं लूटता। बड़ा मतलब दिल पे हाथ रख के मैंने सोचा कि छोड़ भाई नहीं लूटते क्रेट। और मैं आ जाता यहाँ पे ड्रॉप के पास, मुझे लगा कोई बंदा होगा, ऐसा ही होता है, यहाँ पे एक यूएस होती है, और देख सकते हो भाई यूएस वाला बंदा भाग रहा है, तो मैंने सोचा ब्रो भाग ले यार कहाँ तक भागेगा, और मैं इसके पीछे पड़ जाता हूँ, और यहाँ पे केम अपनी गाड़ी ठोक देता, और देखना यहाँ पे कैसे सर्वाइव करता हूँ। पिंग हाई आ जाता है गलत टाइम पे, एक सेकंड और मेरा पिंग हाई रहता ना तो मैं खत्म हो जाता है यहाँ पर सीरियसली। अब देखो मैं इसकी क्रेट तो लूट लेता हूँ, मैं लगा लेता हूँ फर्स्ट एड, और फिर मेरे को बंदे की फुटस्टेप्स की आवाज़ आती है, और देखना बंदा मैं मतलब ना बैग खोलता हूँ, और बैग जैसे ही बंद करता हूँ ना बंदा अंदर आ जाता है, और भाई क्या ही नुबड़ा था। और देखो ये नूब जब आ रहा था ना अंदर की तरफ, तब मैंने अपना बैग ओपन करा था, और उस बार जैसे ही क्लोज करा ना बंदा अंदर पहुंच चुका, मैं सोच रहा भाई नूबड़ा गया कहाँ, लेकिन ये तो भाई मेरे पीछे पहुंच चुका था। छोड़ यार इस बंदे ने किसी के साथ टीम अप भी कर रखा था, मतलब किसी ने इसका टीम अप भी कर रखा था, तो सही सोलो पुशिंग चल रही, क्योंकि औकात तो है नहीं भाई, एक तो गेम इतना तगड़ा है, लो डैमेज इतना कुछ है कि बंदों से यार एक तो संभल नहीं जाता, तो इन्हें ऑटो हेडशॉट जो मैजिक बुलेट कहते हैं ना वो लगाना पड़ता है, तब जाकर तो पबजी मोबाइल जैसा डैमेज होता है, तो भाई औकात से बाहर होता है इनके गेम, तो इन्हें भाई चीट्स यूज़ करने पड़ते हैं। अब मैं आ जाता देखो यहाँ पे सिंह डेल्टा के पास, इस वाले घर में सामने आपको बंदा दिख गया होगा, तो मैं यूँ एक नेड फेंक देता हूँ, क्या पता काम कर जाए, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा था, और ऐसे हुआ भाई कुछ भी काम नहीं करा, नेड यूज की शायद एक तो गोली लगी, लेकिन उससे घंटा कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं आज उतर के फ्लैंक मार के उस तरफ चला जाता, और ये बंदा मेरी तरफ देखता भी है, देखना मुझे लगा भाई स्प्रे मार देगा सॉलिड। अब देखो यहां से मैं गाड़ी लेके जाता तो ये ऑब्वियसली मेरे को मार देता, इजीली मार देता, वो एक बग्गी वैसे है, तो मैं फ्लैंक मार के जाता हूं, ये मेरे को देखता भी, लेकिन ये शूट नहीं कर पाता क्योंकि इसे भी परफेक्ट एंगल नहीं मिल पा रहा था, तो मैं इस तरफ तो आ जाता हूं, और अभी ये बंदा देखना मेरी तरफ पुश कर देता है। और मेरे पास यहाँ पे हेलमेट नहीं था, तो मैंने सोचा मैं रश करना अवॉइड करता हूँ, इसको रश करने देते हैं, इरिटेट हो जाएगा ना तब मारेंगे, क्योंकि जब बंदा इरिटेट हो जाता है ना तो मारना काफ़ी आसान हो जाता है। यहाँ पे जैसे मैंने इसको इरिटेट करा, मैं ऊपर गया, और अभी बंदा रश कर देता है वापस से,
यहाँ पे मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ पे बचूंगा। इसकी गन रिलोड पे गई और मैंने शूट करके थोड़ा सा डैमेज दिया, लेकिन अभी बंदा मारा नहीं था। आउट ऑफ एमो हूँ मैं, बच जाता ना तो भाई लाइक सब्सक्राइब दोनों कर देना। और देखो लाइक तो आप लोग कर ही देते हो, उसके लिए तो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लोग नए हो चैनल पे तो आपको मतलब कमेंट करने की जरूरत ही नहीं है कि भाई ओपी ओपी, सिंपल है। लाइक करने के बाद सब्सक्राइब कर देना है और बस आपका काम होगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन होगा, उस पर क्लिक करके उसे ऑल पर सेलेक्ट कर देना। और अगर सब्सक्राइब लाइक सब कुछ कर रखा है तो यार इंस्टाग्राम की आईडी दी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप लोग मेरे को फॉलो कर सकते हो। अब देखो ये गेम में आगे बढ़ रहा था और मैं आया था अपार्टमेंट साइड, क्योंकि मेरे को गाड़ी दिखी थी। देखना ये बंदा मेरे को इतनी गोली मार के जाता है, और हेलमेट पर नजर डालना। और मैं सोचू यार इतनी जल्दी फिनिश करके, मैंने सोचा स्पेक्टेट करते हैं। और स्पीड के हिसाब से भी यार कुछ तो गड़बड़ लग रही थी इसकी, जरा स्पीड देखो कितनी स्पीड से ऊपर जा रहा है। लेकिन एक टाइम के लिए मैंने सोचा क्योंकि पबजी अलर्ट में स्पेक्टेटिंग का बहुत क्लेच है, कभी कभार स्पेक्टेट करते तो ऐसा लगता है हर बंदा हैकर ही लगता है। तो मैंने एक बार सोचा क्यों इसकी आईडी खोली जाए, देखते भाई इतना प्रो प्लेयर एक बार चेक करते हैं। तो देखो यही बंदा था ना, मैंने आईडी चेक करी कॉन्करर पर बंदा सोलो में। इसकी हेडशॉट परसेंटेज देखो भाई 53%, मतलब आधे ज़्यादा बंदे ये भी वही उसी बंदे जैसा है, आधे ज़्यादा बंदे ये हेडशॉट से यूँ उड़ा देते हैं भाई। अब समझ जाओ बस आप लोग, मैं बताना इतना मतलब समझदार को इशारा काफ़ी है। अब छोड़ो यार ये प्रो प्लेयर से भाई क्या ही कर सकते हैं। अब छोड़ो यार मैं आ जाऊँ इस वाले गेम में अपने गाँव में, और जैसे उतर दो देखो आपके साइड में एक बंदा दिख गया होगा, ये मेरे साथ ही उतर रहा था नीचे की तरफ, तो मैं भी इस घर में आ जाता हूँ। और मेरे को लगा ये साइड चला देगा, लेकिन ना इसको मेरे साथ ही जाना है। और मैंने सोचा चलो यार फाइट ले लेते, क्या पता मस्त एकदम से उतरते किल मिलेगा। तो मेरे को गन तो मिल जाती ठीक ठाक यूज मिल जाती, एक बाइसन मिल जाती, बाइजन स्कॉर्पियन। और मैं नीचे जाता हूँ और मुझे पता था इस बंदे को भी शायद गन मिल गई थी। और इसे मारते सबसे पहले मैं एक एम ले लेता हूँ, क्योंकि यार देखो एक असॉल्ट राइफल की कमी ना कोई एसएमज या फिर कुछ भी पूरी नहीं कर सकता। MK40 तो ओपी है भाई, उसका तो क्या ही कहना, लेकिन फिर भी एक असॉल्ट राइफल तो होनी चाहिए यार, यूज ही अपनी अलग जगह, उसके अलग एडवांटेजेस है। तो मैं साइड वाली बिल्डिंग में आ जाता हूँ, यहाँ पे देखना स्कॉटर्स की तरफ से मेरे को फुटस्टेप्स की आवाज़ आई थी, तो मैंने यूं ही रैंडमली नेड फेंक दिया बालकनी में कि क्या पता बंदा हो, और नेड काम कर जाता है। और मैं यार आपको लाइक करने के लिए मजबूर कर दूंगा, तो जिन्होंने अभी तक नहीं करा तो भाई कर देना यार, कुछ नहीं जाने वाला तुम्हारा। अब देखो मैं आगे पैदल जा रहा था, आगे की तरफ की गाड़ी लूंगा, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी गाड़ी मिलेगी, क्योंकि रैंक पुशर्स की लोबी है, हर कोई पहले गाड़ी उठा के टप से कहीं भी हो लेता है। तो मैं पैदल जा रहा था, मेरे को बंदा दिखता सामने की तरफ और फिर मैं प्रोन हो जाता हूँ। अब देखो मेरे पास एक्सटेंडेड मैग तो था नहीं, तो मैंने सोचा पहले दोनों अपनी गन को रिलोड कर लेता हूँ। और जैसे रिलोड करता ना, उसके बाद देखना मेरे को M16 के सिंगल टपाटप की आवाज़ आती है और यूजी की आवाज़ आती है। और सामने देखो एक बंदा दिखता है मेरे को, और ये देखो स्क्वाडर्स की तरफ जा रहा था, तो मैं शूट करता हूँ उस बंदे पे। और एम मेरा हल्का सा पेड़ की तरफ डाइवर्ट हो गया, पता नहीं क्यों अपने आप, तो मतलब हो सकता है पेड़ की तरफ कोई बंदा है, क्योंकि मैं ये वाला गेम लाइट मैसेज पे खेल रहा था, तो बढ़िया काम आ गया लाइट मैसेज पे, पता चल गया मेरे को इस तरफ भी बंदा है। और मैं देखना जैसे ही पास जाता हूँ ना, मेरे को मतलब स्क्वाडर्स मेरे को पता था बंदा है एक तो, और मैं जैसे स्क्वाडर्स के पास जाता हूँ थोड़ा क्लोजिंग करता हूँ, और सामने हरा धुआं निकल जाता है। तो मैं समझ गया रियल प्लेयर्स तो है यहाँ पे, कोई बोट नहीं है, बोट फायर बस ये दे रहे थे। तो मैं जैसे ही पास जाता हूँ और यहाँ पे क्रॉस कर लेता हूँ, तो देखना क्या ही मतलब बंदा कहाँ ही सांप बन रहा है। और मेरे से देखो बंदा ये स्पॉट ही नहीं हुआ, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टीवी पी लिया, लेकिन बंदा मेरे को स्पॉट नहीं हुआ, तो मैं जल्दी से अंदर स्क्वाडर्स के अंदर चला जाता हूँ। पहले तो यहाँ पे टीवी पी लेता हूँ, क्या पता हो मेरे को दिख जाए, लेकिन नहीं भाई मैं अंदर की तरफ जाता हूँ। और यहाँ पे वो जो स्क्वाडर्स वाला बंदा था ना, वो शायद चला गया था यहाँ से, और कुछ देर बाद वो आता है। जैसे इस बंदे को फिनिश करा, नेड की आवाज़ आपको आ गई होगी, और जिस बंदे ने नेड करा था वो मेरे पे शूट करा था, तो मैंने सोचा यहाँ पे टीपी पी लूँगा, क्योंकि उसको यहीं से आना है तो काफ़ी एडवांटेज मिलेगा। लेकिन लौंडा चलाक निकलता वो नहीं आता, मैंने एक स्टन फेंक दिया कि क्या पता वो स्टन से डर कोई भाग जाए, और तब उसको मार दूंगा। लेकिन तभी यहाँ पे नीचे दो बंदे आ जाते हैं, और भाई क्या ही थर्ड पार्टी करता हूँ मैं। और जब भी यार सोलो में दो तीन बंदे हो ना आसपास, तो कभी भी पहले चौधरी मत बना करो, होल्ड करो, वेट करो कि कब बाकी बंदे फाइट करें और थर्ड पार्टी करो, तुम्हें दो से तीन भी किल मिल सकते हैं, जैसे मेरे को यहाँ पे मिल गए। लेकिन भैया यार अगर तुम सिर्फ फन के लिए खेलते हो तो भाई कुछ भी करो, मतलब तुम्हें घुसना है घुसो, कुछ भी करो। अब देखो आगे चलते फिर तो मेरे को बग्गी मिल जाती है, और बग्गी लेकर मेरे को सामने नीले वाले घर की तरफ एक गाड़ी दिखती है, तो मैं जाता हूँ पास, और फुटस्टेप्स की आवाज़ आ गई, तो भाई बंदा भी है। हाँ मेरे पास देखो फ्रैग ग्रेनेड तो नहीं था, मैंने सोचा स्मोक टोस्ट करते हैं, और ये स्मोक मेरे लिए दो काम करेगा, एक तो कवर बना देगा सीढ़ियों में ऊपर मैं इजीली जा पाऊंगा, और दूसरा उस बंदे को डरा देगा। अब देखो वो हिला हल्का सा, वो शायद बालकनी में चला गया उस तरफ, और अब मैं रश कर देता हूँ ऊपर की तरफ।
यहाँ पे मैंने अकेले गुस्से को मार दिया और उसका क्रेट लूटने के बाद देखो उसकी गाड़ी में लेके मैं जा रहा था और फ्यूल देखो भाई क्या ही चकाचक भर रखा है। और आप लोग कमेंट करोगे भाई स्किन क्यों नहीं लग रही। अब मेरे को खुद को नहीं पता भाई पबजी के अपने अलग नशे हैं। अब मैं सेंट्रल रोड के पास जाता हूँ इस घर में और यहाँ पे फुटस्टेप्स आया मेरे को, मैं एक नेट टॉस कर लेता हूँ पहले ही क्योंकि बंदे कहते हैं ना खिसकने की आवाज़ आएगी मेरे को हल्की सी। और मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल परफेक्ट निकलती है। अब देखो सीक्रेट से मेरे को कार नाइट हिट मिल जाती है और कार नाइट हिट लेके मैं निकलने का सोचा ऐसे, लेकिन मेरे पास देखो अच्छी वेस्ट नहीं थी, लेवल 3 की डैमेज वेस्ट थी, ऊपर से मेरे को लेवल 1 की मिल गई थी, लेकिन यार लेवल 1 की वेस्ट तुम्हें पता है ना खस्सी है बिल्कुल, तो मैंने लेवल 2 की ले ली। और गाड़ी लेकर मैं निकलता हूँ इस डिस्ट्रिक्ट की तरफ क्योंकि जोन वहीं पर बना था। और इस वाले घर में से मेरे को हल्के से फुटस्टेप्स की आवाज़ है, हल्का हुआ भारी बंदा है तो है, और मैं इस पर डायरेक्ट रश नहीं कर सकता क्योंकि ये घर में ऐसा ना 50-50 चांस है ना, तो तुम ढंग से नेड कर सकते, मतलब समझ गए होगे यार, देखिए प्योर पबजी वाला है फिर पबजी वाला प्लेयर समझ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसलिए मैं इस बान हाउस में रुक जाता हूँ और मैंने सोचा यहीं से एंगल लेके मारेंगे, लेकिन मैं जैसे जाता हूँ मेरे को सामने की तरफ डाशा दिखती है और एक बंदा भी। अब देखो यहाँ पे नेड वगैरह फट रहे थे और मेरे ख्याल से वही बंदा साइड वाले कमरे में, ये जो सामने कमरा देख रहे हो यहाँ पे नेड कर रहा है क्योंकि यहीं पे एक एंगल मिल सकता है उसको नेड करने के लिए। तो मैं पास जाता हूँ और मैंने भी एक नेड टॉस कर दिया और फेंक दिया वहाँ पे। पहले तो मैं वापस के क्या बोल रहा हूँ मैं अंदर की तरफ चला जाता हूँ क्योंकि मेरे को लगा वहाँ से वो नेड टॉस कर रहा है, मुझे बस ऐसा लगा। तो मैं इस तरफ आ गया और मैंने यहाँ से एंगल लिया कि आप यहाँ से मेरे को सर दिख जाए उसका, तो मैं हेड शॉट ही मारता हूँ, लेकिन नहीं मैं यहाँ से नेड टॉस करके गया क्योंकि जिससे कि उसको आवाज़ ना आए, और फेंका मैंने नेड, काम भी करा, लेकिन यार मैंने थोड़ा लेट फेंक दिया, मतलब थोड़ा जल्दी फेंक दिया, अगर मैं थोड़ा लेट फेंकता तो उस तक पहुंचता और फट जाता। और मैंने एक स्टन फेंक दिया जिससे वो अंधा हो जाए, थोड़ा सा डर जाए। फिर देखना यहाँ पे एक बोट आता है, मैं बोट के मारने का ट्राई करता हूँ और बंदा सही फायदा उठा लेता है, बोट वापस जाता है और मैं फिर से उसको फायदा उठाने दे देता हूँ। इस बार उसने काफ़ी डैमेज दे दिया और देखना ऐसा लगे वो नेट टॉस करा, देखो मुझे तो बिल्कुल ऐसा लगा। तो मैं जल्दी से अंदर की तरफ दुबक लेता हूँ और बहुत देर तक हमारे यहाँ पे ऐसी हुई तू तू मैं, लेकिन कोई भी अच्छी तरह डैमेज दे नहीं पा रहा था। तभी मेरे को सामने की तरफ दो बंदे दिखते हैं, दो से तीन गोली भी एक कैंप की भिड़ जाती है तो मेरा काम हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। गाइस यहाँ पे बंदे आ चुके थे मेरे वाले घर में, बंदा था एक जो कि मेरे पास नहीं आया क्योंकि मैं अभी जोन में था, मैं बाहर जाता हूँ और वो शायद जोन में था, देखो साइड में कोई दिख गया होगा फ्रेम में हल्का सा आया था, छुपा हुआ था वो भी जोन में और मैं ऊपर की तरफ जोन में था, लेकिन कभी भी यार वो मेरे पे रश कर सकता है और मैं यहाँ पे सीढ़ी में बैठ जाता हूँ, लेकिन अगर वो एकदम से यहाँ पे आया ना भाई बहुत तगड़ा कवर लेकर मेरे को मार जाएगा। तो इसलिए मैं बाहर की तरफ चला जाता हूँ और चुपके से मैं गाड़ी लेके भाग लेता हूँ यहाँ से, यूँ ही मतलब गाड़ी लेके मैं भी बंदों के साथ घूम रहा होता हूँ कि मैं भी किसी को कुचल दूँ। तब यहाँ पे एक बंदे की फाइट हो जाती है, मतलब ओपन में एक बंदा होता है और एक बंदा गाड़ी से एक को गिरा देता है और मैं फिर थर्ड पार्टी कर देता हूँ। गाड़ी वाला नहीं गिरा था, गाड़ी वाला खुद गिर जाता है। अब देखो मेरे को यहाँ पे डर था ये ना मारते, लेकिन मैं गेट इन कर दिया बिल्कुल करेक्ट टाइम पे और अभी बंदा मेरे को जोन में भी ले जाता है, मैं फर्स्ट एड मार लेता हूँ। अब देखो ये बंदा लाइव था और वो बंदा तो भाई इतनी देर तक इसी घर में छुपा हुआ है, देख सकते हो शूट कर रहा है मेरे पे, और मैं जल्दी से उतरता हूँ और फिर इसके एक मारता हूँ फैलता हूँ गन शॉट्स, लेकिन वो बंदा थर्ड पार्टी कर सकता है जिससे मैं सेफ ये जगह जोन में थी, तो मैं यहीं पर आ जाता हूँ और बैठता हूँ कुछ देर और देखना बहुत देर तक ये वाला बंदा भी यहीं पर कहीं गाड़ी रोक लेता है रिज के पास, और बहुत देर हो चुकी थी भाई इस बंदे के, मेरे को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फुटस्टेप्स आते हैं और ये बंदा ब्रश कर देता है। और मुझे लगा इंस्टेंटली थर्ड पार्टी होगी, लेकिन इंस्टेंटली तो नहीं लेकिन हो जरूर जाती है। देखो ये बंदा कूदा इस तरफ और मैं ऊपर चला जाता हूँ हील करते करते, और देखना इस बंदे को क्या ही मस्त मारता हूँ मैं। और आई होप आप सभी आज की वाली वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई लाइक जरूर कर देना, चैनल पर आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो और यार सब्सक्राइब कर लेना तुम्हारा कुछ नहीं जाने वाला, और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय।